नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक लाई हूँ। ये बेबी फ्रॉक 6 से 7 साल के बेबी के लिए है, लेकिन मैं 3 साल के बेबी के लिए बता रही हूँ। यही डिज़ाइन 3 साल के बेबी के लिए। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 39 डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। 6 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, ये 6 फंदे बॉर्डर के फंदे हैं। तो 6 फंदा हमने सीधा बुना और 7वां फंदा भी सीधा ही बुन लेंगे। तो ये हमारे 7 फंदे हो गए, 6 बॉर्डर के फंदे हो गए और 7वां फंदा हमारे मेन पार्ट का हो गया। 6 फंदे इस साइड में बॉर्डर के, 6 फंदे इस साइड में बॉर्डर के और बीच में हो गए 27 फंदे। तो 1 फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, बीच में 26 फंदे बचे हैं। 27 फंदों में से 1 फंदा हमने सीधा बुन लिया, बीच में बचे 26 फंदे। तो हमें सभी फंदों में जाली देते हुए सीधा बुनना है। ऊन अपनी ओर किया और जाली देते हुए सीधा बुन लिया, ऊन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा बुना। तो ऐसा हमें 26 बार करना है। 27 फंदों में से 1 फंदा हमने नॉर्मली सीधा बुना था, उसके बाद 26 फंदों में से प्रत्येक फंदे को जाली देते हुए सीधा बुनना है। तो इस तरह पहली ही लाइन में हमारे 26 फंदे बढ़ जाएंगे। हमने 39 स्टिचेस लेके बुनाई शुरू किया था और 26 फंदे बढ़ जाने से हो जाएंगे 65 स्टिचेस। सभी फंदों में ऊन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदों में जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। और लास्ट में 6 फंदे बचे हैं जो बॉर्डर के फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बना लेंगे। बॉर्डर के फंदे सीधे और बीच के सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। दूसरी लाइन में बॉर्डर के सभी फंदे सीधे, बीच के सभी फंदे उल्टे और लास्ट फंदा इसे भी उल्टा ही हम बुनेंगे। तो ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गया है। थर्ड रो और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 6 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया बॉर्डर के फंदे और 6ठा फंदा हमारे मेन पार्ट का 6ठा फंदा, उसे भी हम सीधा बना लेंगे। अपनी ओर करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 3 का 1 कर लेंगे सीधा बुनते हुए। फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा, यानी एक बार हम 3 का 1 करेंगे और फिर अगली बार 1 फंदा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा बुना, ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर अगला फंदा, अगले 3 फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा। यानी हर बार हमें बुनने से पहले उनको अपनी ओर करना होगा। एक बार हम 1 फंदा बुनेंगे और एक बार हम 3 फंदे को एक साथ लेके सीधा बुनेंगे। एक बार 1 फंदा बुनेंगे, फिर एक बार 3 फंदे को एक साथ लेके सीधा बुनेंगे और हर बार बुनने से पहले हम उनको अपनी तरफ कर लेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरे लाइन में दोहराना है। एक बार 1 फंदे को लेकर सीधा बुनना है और एक बार 3 फंदे को एक साथ लेके सीधा बुनना है और हर बार बुनने से पहले हमें उनको अपनी तरफ कर लेना है। ऊन अपनी ओर किया और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा और लास्ट में 6 फंदे बचे हैं, ये बॉर्डर के फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बना लेंगे।
फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे और पांच फंदे सीधे, तीन चार पांच, तो ये बॉर्डर के फंदे हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे एक फंदा सीधा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और तीन फंदे सीधे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर के बाद एक फंदा उल्टा और फिर तीन फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा और उन दूसरी ओर करेंगे तीन फंदे सीधे। उन अपनी ओर किया एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर किया और तीन फंदे सीधे। ये हमारा जाली वाला फंदा है और ये जो मिडिल फंदा है वो हमने जो तीन का एक किया है वो वाला फंदा है। तो ये तीन का एक किया वाला फंदा, ये दो हो गया और ये जाली तीन हो गई। उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा, ये हमारा जो सिंगल फंदा था ये वो फंदा है, इसे हम उल्टा बुन रहे हैं। और फिर ये जाली को सीधा बुनेंगे और ये जो तीन का हमने एक किया है, यहाँ पे तीन का एक किया है, तो उस फंदे को रॉन्ग साइड से हम सीधा बुनेंगे और उसके साइड वाले दोनों जाली को भी हम सीधा बुनेंगे। और जो फंदा हमने सिंगल फंदे को सीधा बुना था उसे हम उल्टा बुन लेंगे। तीन फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक दो तीन फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, और लास्ट में छह फंदे बचे हैं, बॉर्डर के फंदे हैं, इन्हें में से पांच फंदे को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा। तो इस तरह हमारा ये चार लाइन कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा बेस तैयार हो गया। अब हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे, दो फंदा हम सीधा बनाएंगे, दो फंदा सीधा बुना, उन अपनी ओर किया, अगले दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। ये हमारा बटन होल है, यहाँ पे हमने दो का एक किया और सीधा बुनने से पहले जाली दिया, यानी एक फंदा यहाँ बढ़ा दिया, अब जितने फंदे थे उतने वापस हो गए और फिर दो फंदे सीधे। अब सातवां फंदा, ये इसे भी हम सीधा बुन लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये तीन फंदे इन तीनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से तीनों को सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, यानी कि हम अपना थर्ड रो ही वापस दोहरा रहे हैं। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो पांचवा लाइन तीसरे लाइन की तरह कंप्लीट कर लिया गया है। अब ये छठा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, पांच फंदों को उल्टा बुन लेंगे, ये हमारे बॉर्डर के फंदे हैं। और अब अगले फंदे को हम दो बार बुनेंगे, एक बार बुना और फिर इसी फंदे में एक बार और बुना, तो ये एक से दो फंदे हो गए, तो छह और ये आठ फंदे हो गए हैं। अब ये फंदे तीन फंदे हैं जो डिवाइडर के फंदे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, एक दो
दो और तीन, और ये सिंगल फंदा है, ये सिंगल फंदा है। इसे हम दो बार बुनेंगे उल्टा बुनते हुए, एक बुना फिर इसी में घुमाकर एक बार और बुना। तो हमने एक से दो फंदे कर लिए उल्टा बुनते हुए। फिर ये तीन फंदे हैं, ये डिवाइडर के फंदे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे। और डिवाइडर के फंदे दोनों साइड से सीधे बुने जाएंगे, फ्रंट से भी और बैक से भी, ये दोनों साइड से सीधे बुने जाएंगे। और ये जो कोन है ये हमारा बैक से उल्टा बुना जाएगा, और फंदे हम बैक से ही बढ़ाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक से दो किया, ये हमारा सिंगल फंदा है तो इसमें हम एक से दो करेंगे, एक फंदा बनाया, फिर इसी में घुमाकर एक और फंदा बना लेंगे। ये तीन फंदे हैं डिवाइडर के, तो इन्हें हम पीछे से भी सीधा ही बुनेंगे। डिवाइडर फ्रंट से भी और बैक से दोनों साइड से सीधे बुने जाएंगे। ऐसे ही हम पूरी लाइन में करेंगे, तीन फंदे सीधे और ये जो सिंगल फंदा है, ये देखिए हमने तीन का एक किया था और एक सिंगल फंदा है, तो सिंगल फंदा बैक साइड से एक से दो करेंगे। और ये तीन फंदे जो डिवाइडर के हैं इन्हें हम पीछे से भी सीधा ही बुनेंगे। तो इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। बॉर्डर के फंदे दोनों साइड से सीधे बुने जाएंगे। जब हम स्वेटर गले से बनाते हैं तो फंदों को पांच पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चार डिवाइडर होते हैं और पांच पार्ट्स होते हैं। लेकिन ये स्वेटर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमारे 13 डिवाइडर हैं, 13 डिवाइडर हैं और 14 पार्ट्स, ये हमारे 14 कोन हैं और 13 डिवाइडर। तो जब हम गले से स्वेटर बनाते हैं तो हर डिवाइडर के दोनों तरफ जाली डालते हैं जिससे फंदे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 13 डिवाइडर यानी कि हर लाइन में 26 फंदे बढ़ जाएंगे, तो फंदे बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम एक पैटर्न में फंदे बढ़ाएंगे। तो हमने छठी लाइन में, ये हमारा 6th लाइन कंप्लीट हुआ है, तो छठी लाइन में हमने एक से दो किया था, जो सिंगल फंदे थे उसे हमने दो किया था, तो 14 फंदे और ज़्यादा बढ़ गए। ये 14 हमारे कोन है, 14 सिंगल फंदे थे तो ये 14 फंदे यहाँ पे हमने बढ़ा लिए। डिजाइन 39 से शुरू हुआ था, उसके बाद 26 फंदे बढ़े थे और इस लाइन में 14 फंदे बढ़ गए, तो अब हो गया है टोटल फंदे 79। और अब हमारा ये 7वां लाइन है और सामने से, तो फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से ही बुनेंगे 6 फंदे सीधे, ये बॉर्डर के 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। और उसके बाद ये 2 फंदे सीधे, ये हमारे ये कोन के फंदे हैं, और 3 फंदे ये डिवाइडर है, तो डिवाइडर को हम अपनी ओर जाली उन करेंगे और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए 3 का 1 कर देंगे बैक लूप से, 3 का 1, फिर उन अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे 2 फंदे हैं तो 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए, ये हमारे डिवाइडर के फंदे हैं तो तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए थोड़ा ढीला कर लेंगे, 3 का 1 कर लेंगे सीधा बुनते हुए, फिर उन अपनी ओर करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारा अब आगे बढ़ रहा है, 1 से 2 हो गया है, तो दोनों फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। तो ऐसा ही हम पूरी लाइन में कर लेंगे। डिवाइडर के पहले हमें जाली देना है, तो उन अपनी ओर करेंगे, डिवाइडर के 3 फंदों को हम सामने से सीधा बुन लेंगे, बैक लूप से सीधा बुन लेंगे,
फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आठवीं लाइन और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और ये डिवाइडर के फंदे हैं तो तीन फंदा सीधा, एक और दो तीन, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, तीन फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए दो फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा बुनते हुए और बॉर्डर के फंदे सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और लास्ट फंदा हमारा उल्टा रहेगा। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा उतार लेंगे और पांच फंदे सीधे बना लेंगे और फिर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा डिवाइडर के, इसे हम जाली देते हुए सीधा बना लेंगे। यानी कि नाइन्थ रो भी हमारा सेवन्थ रो की तरह ही बनेगा, उन अपनी ओर करेंगे और फिर दो फंदा सीधा। तो ये लाइन भी सेवन्थ रो की तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। नाइन्थ रो को हमने सेवन्थ रो की तरह बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब ये टेंथ रो है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पांच फंदे सीधा बुन लेंगे और अब ये हमारे दो फंदे उल्टे हैं, ये हमारा कोन का फंदा है, तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और दूसरे फंदे में हम एक से दो फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे तीन उल्टे फंदे हो गए और फिर उनको दूसरी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे, ये डिवाइडर के तीन फंदे हैं तो इन्हें हम सीधा बना लेंगे। अब फिर ये दो फंदे उल्टे हैं तो इनमें दोनों में हम दो दो फंदे बना लेंगे, दो फंदे से हम चार फंदे बना लेंगे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, डिवाइडर के फंदे तीन फंदे हम सीधा बुन लेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये दो फंदा है तो इनमें हम एक फंदे से दो फंदा बनाएंगे, यानी कि दो से हमने चार फंदा बनाना है और डिवाइडर के फंदों को सीधा बुन लेंगे। डिवाइडर के ये तीन फंदे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और ये दो फंदे हैं तो इन्हें हम दो का चार करेंगे। कून में हम पीछे से ही, यानी रॉन्ग साइड से ही फंदे बढ़ाएंगे, आगे से हमें नहीं बढ़ाना है। और अब ये लास्ट के कून बचा हुआ है तो पहले फंदे पे हम एक से दो करेंगे और बॉर्डर की तरफ जो फंदा है उसमें, उसको हम सिंगल बुनेंगे, उसमें हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। और लास्ट में ये छह फंदे बॉर्डर के हैं तो पांच फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। तो हमने बीच में जहाँ जहाँ दो फंदे थे उन्हें दो का चार कर लिया है और किनारे के कोन में हमने सिर्फ दो ही एक ही फंदे में दो का एक से दो किया है और साइड वाले फंदे को एक ही रहने दिया है। तो अब ग्यारहवां लाइन और सामने से, और अब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे। तो पहला फंदा ये हम बॉर्डर के छह फंदे सीधा बुन लेंगे और ये साइड के तीन फंदे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, ये हमारे तीन फंदे कोन के हुए हैं। और फिर ये डिवाइडर के तीन फंदे हैं तो इन्हें हम उन अपनी ओर करेंगे और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बुन लेंगे।
फिर उन अपनी ओर करेंगे, और अब यहाँ पे दो से बढ़ के चार हो गए हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और फिर ये डिवाइडर के फंदे आ गए, तो उन अपनी ओर करेंगे और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए तीन का एक कर लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन और चार। फिर उन अपनी ओर करेंगे और डिवाइडर के तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए तीन का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। फिर उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। तो इसी तरह करते हुए हम 11वां लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 12वां लाइन और रॉन्ग साइड बॉर्डर के फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, कोन के फंदों को उल्टा और डिवाइडर के फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह हम 12वां लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 13वीं लाइन में फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनेंगे और 11वीं लाइन को ही दोहराएंगे, यानी कि 6 फंदा हम बॉर्डर के सीधे बुन लेंगे। उसके बाद ये कोन के तीन फंदे सीधे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और डिवाइडर के तीन फंदे सीधे बुनते हुए तीनों को एक कर लेंगे, और उसके पहले हम जाली देंगे। तो उन अपनी ओर किया, तीन फंदों को सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लिया। फिर उन अपनी ओर किया और ये चार फंदे जो है इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार। फिर उन अपनी ओर करेंगे और तीन डिवाइडर के तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। यानी हम अपना 11वां लाइन ही दोहरा रहे हैं, तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 14वां लाइन और रॉन्ग साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पांच फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा बनेंगे, एक दो। और अब तीसरे फंदे पे हम एक से दो करेंगे एक बुना, फिर इसी में पलट के एक और। तो यहाँ पे हमारे कॉर्नर में चार फंदे हो गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम सिर्फ साइड वाले फंदे पे बढ़ाएंगे, बॉर्डर की तरफ वाले फंदे पे हमें नहीं बढ़ाना है। ये जो हमारे डिवाइडर की तरफ वाला फंदा है उधर ही बढ़ाना है। फिर डिवाइडर के फंदे तीन फंदे उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारा दूसरा कोन आ गया, तो यहाँ पे चार फंदे हैं, तो साइड के दोनों फंदों में हम दो से एक से दो करेंगे। साइड के दोनों फंदों को हम एक से दो करेंगे और बीच के फंदों को हम नॉर्मली बुनेंगे, यानी कि चार फंदों से अब ये 6 फंदे हो जाएगा। उन अपनी ओर करेंगे, ये एक से हमने दो फंदे बना लिया, फिर दो फंदा उल्टा, फिर साइड वाले फंदे में हमने एक से दो बना लिया। तो यहाँ पे चार फंदे से 6 फंदा हो गया, और ये डिवाइडर के तीन फंदे उसे हम सीधा बना लेंगे। फिर से देखिए, ये हमारे कोन में चार फंदे हैं, तो पहले फंदे में हम एक से दो करेंगे, उल्टा बुन लिया, फिर इसी फंदे को ऐसे पलटेंगे और एक और उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, और फिर ये लास्ट फंदा है कॉर्नर का, डिवाइडर की तरफ वाला ये फंदा है, तो इसमें हमें दो फंदा बनाना है, एक उल्टा बनाया, फिर इसी को घुमाकर एक और उल्टा। डिवाइडर के तीन फंदे सीधे बना लेंगे, ये इस पर चढ़ जा रहा है तो इसको हटा लीजिएगा, वरना ये साथ बुन जाएगा। अब ये देखिए, ये कोन है, तो पहले फंदे में हम दो फंदा बनाएंगे, एक बनाया उल्टा और फिर इसी में ऐसे घुमा के एक और उल्टा।
फिर दो फंदा उल्टा, फिर ये लास्ट फंदा है तो इसमें हम दो फंदा बनाएंगे, एक उल्टा बनाया, फिर इसी को घुमाकर एक और उल्टा, और ये डिवाइडर के तीन फंदे हैं तो इसे हम सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह चार फंदे से हम छह फंदा करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और डिवाइडर के फंदों को सीधा बना लेंगे। पंद्रहवीं लाइन और सामने से छह फंदा सीधा बना लेंगे। और यहाँ पे चार फंदे सीधे हैं कोन के, तो इन्हें हम सीधा बना लेंगे। और फिर उन अपनी ओर करेंगे, डिवाइडर के फंदे को सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। और फिर उन अपनी ओर करेंगे, और ये कोन के छह फंदे हैं तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब कोन के फंदे बढ़ के छह हो गए हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। डिवाइडर के फंदों को जाली देते हुए तीन का एक कर लेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और सोलहवां लाइन और रॉन्ग साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, पांच फंदे सीधे, उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, और चौथे फंदे में हम एक से दो करेंगे उल्टा बुना, फिर इसी को पलट के इसी में एक बार और उल्टा, फिर डिवाइडर के ये तीन फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और फिर ये हमारे कोन के फंदे हैं, तो साइड वाले दोनों फंदों में हम एक से दो फंदे करेंगे, बीच के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और फिर ये छठा फंदा है, तो इसमें भी हम एक से दो करेंगे, यानी हम छह फंदे से यहाँ पे आठ फंदे हो गए। फिर डिवाइडर के तीन फंदे इन्हें हम सीधा बना लेंगे। अब ये हमारे कोन के फंदे हैं, तो इसमें हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो साइड के दोनों फंदों में हम एक से दो कर लेंगे, बीच के चार फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। और फिर ये साइड का ये छठा फंदा, इसमें भी हम उल्टा बुनते हुए एक से दो कर लेंगे, यानी ये छह फंदों से आठ फंदा ये हो गया। फिर डिवाइडर के तीन फंदे सीधे, फिर ये कोन आ गया, तो इसमें छह फंदों से हम साइड के एक एक फंदों को दो बार बुनेंगे, और बीच के फंदों को, बीच के चार फंदों को हम सिंपली उल्टा बुन लेंगे। तो हम एक बुना, फिर इसी में एक बार और उल्टा बुनेंगे, तो ये दो हो जाएगा, तो दो, फिर चार फंदे उल्टे, और फिर ये लास्ट का छह फंदा है, छठा फंदा है, तो इसमें हम दो बार बुन लेंगे, तो ये कोन के फंदे आठ फंदे हो गए। तो इसी तरह हम फंदे बढ़ाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बीसवां लाइन और रॉन्ग साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, पांच फंदा सीधा, फिर चार फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन और चार, और पांचवें फंदे में हम दो बार बुनेंगे, एक बार उल्टा बुना, और फिर इसी फंदे को घुमाकर एक बार और उल्टा बुनेंगे, यानी बीसवें फंदे में, बीसवें लाइन में हम फिर फंदा बढ़ाएंगे, और ये डिवाइडर के तीन फंदे इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर ये हमारा कोन है, तो पहले फंदे में हम एक फंदे से दो फंदा करेंगे, बीच के फंदे हम उल्टा बुनेंगे, और फिर लास्ट फंदे में हम एक फंदा से दो फंदा करेंगे,
यानी यहाँ पे हमने 8 फंदे से 10 फंदा कर लिया। फिर डिवाइडर के 3 फंदे इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर ये हमारे कोन के फंदे हैं, तो पहला फंदा और आखिरी फंदा इसमें हम एक से दो दो फंदे बुनेंगे और बीच के 6 फंदे में हम उल्टा बुनेंगे, सिंपली उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुना, फिर इसी को घुमा के एक और बार इसी में उल्टा बुन लेंगे, तो ये एक से दो हो गया। फिर 6 फंदा उल्टा, फिर ये 8वें फंदे से हम एक से दो फंदा करेंगे, तो यहाँ पे अब कोन में 10 फंदे हो गए। और डिवाइडर के फंदे हमेशा की तरह रॉन्ग साइड से सीधे बनाए जाएंगे। तो इसी तरह हम कोन में 8 से 10 फंदा करते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 20वें लाइन पे हमने फंदा बढ़ाया था, 23वें लाइन पे यहाँ पे हमें बटन होल बना लेंगे। और ये अब 24वां लाइन है, तो बॉर्डर के हम फंदे सीधे बना लेंगे और कॉर्नर में 6 फंदे हैं, तो 5 फंदा हम उल्टा बना लेंगे और 6ठे फंदा में एक से दो फंदा करेंगे। फिर डिवाइडर के फंदों को सीधा बना लेंगे। अब फिर हमारा एक कोन के फंदे आ गए, तो पहले फंदे से हम दो फंदा करेंगे। बीच के 8 फंदे हम सीधा सॉरी उल्टा बुनेंगे, बीच के 8 फंदे उल्टा। और फिर 10वें फंदे में हम दो बार बुन के 10वें फंदे में हम दो बार बुनेंगे, तो ये कोन अब 10 से 12 फंदे का हो गया। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, डिवाइडर के 3 फंदे सीधे और कोन के 10 फंदे हैं, तो साइड के एक एक फंदे को हम दो बार बुन के यहाँ पे हम 12 फंदे कर लेंगे। तो मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। चौबीसवें फंदे में 24वें लाइन में हम 10 से 12 फंदे कर रहे हैं, ये कोन के फंदे 10 से 12 कर रहे हैं। फिर 28वें लाइन में हम 12 से 14 कर देंगे। तो 28 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 30 लाइन कंप्लीट कर लिया है। 28वें लाइन में कोण 12 से 14 हो गया है और 30वें लाइन में 14 से 16। अब ये प्रत्येक कोण में 16-16 फंदे हैं और साइड वाले में 10 फंदा। तो अब हम इसे क्लोज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस साइड के बॉर्डर के फंदों को यानी 6 फंदों को दूसरी सिलाई में ले लेंगे और इधर के 6 फंदे। अब इन दोनों को हम और बटन होल वाला पार्ट हम ऊपर रखेंगे और काले रंग से, और हम सेकेंडरी कलर से एक फंदा दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट दो फंदे हम लेंगे, एक एक फंदा दोनों सिलाइयों में से, और दोनों को साथ लेते हुए हम एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब ये हमारे दोनों पार्ट आपस में जुड़ रहे हैं।
और अब सारे फंदे सीधे बनाते हुए 10 लाइन कंप्लीट करूंगी। तो 10 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब चूंकि सभी फंदे हम अब इन्हें या तो हम सर्कुलर निडल में बनाएंगे या फिर गले वाले सिलाई से बनाएंगे, तो हम एक फंदा एक लाइन सीधा बनाएंगे और अगला लाइन हम उल्टा बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर बन रहा है। तो ये हम एक लाइन सीधा बनाएंगे और एक लाइन उल्टा। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। और अब हम कोई फंदे नहीं बनाएंगे, सभी फंदे सीधे बनाते हुए हम वापस इसी पॉइंट पे आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट राउंड चल रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 कोन मैंने फ्रंट में रखा है और 3 कोन आस्तीन पे घटा दिया है। और बैक में 4 कोन है, 1, 2, 3 और 4। और अब ये 3 कोण दूसरे आस्तीन में घटाए जाएंगे। तो डिवाइडर का एक फंदा मैंने बैक में रखा है और 2 फंदे आस्तीन में रखे हैं। तो 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 और 2, और पिछला वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे। तो इसी तरह करते हुए दो दो फंदों को लेकर पिछले वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते हुए हम फंदा घटाते जाएंगे। तो 3 कोण के फंदे हम घटा लेंगे। उल्टा बुनते जाएंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कोण घटाए जा चुके हैं। डिवाइडर के दो दो फंदे साइड के हमने आस्तीन में ले लिए हैं। तो आस्तीन पे कुल 58 फंदे घटाए गए हैं और ये हमारा आस्तीन देखिए बनके तैयार हो गया है। और अब शेष फंदे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेबी फ्रॉक का फर्स्ट पार्ट तैयार हो गया है। तो फ्रंट में हमारे 4 कोन आएंगे और आस्तीन पे 3 3 कोन आएंगे। तो इसका अपर पार्ट ऐसे दिखाई देगा। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।